तो मुंबई में संभाजी नगर से सैकड़ों गाड़ियां आ रही हैं, चलो मुंबई तिरंगा रैली के माध्यम से। और ये आह्वान क्या है इम्तियाज जलील ने अपने समाज के लोगों से, उनका कहना है कि मुसलमानों को शिंदे सरकार के संरक्षण में डराया जा रहा है, उनका सीधा आरोप है और उसको लेकर वो मुंबई आ रहे हैं। उनके काफिले में 100-150-200 गाड़ियां हैं और जैसे जैसे काफिला मुंबई की तरफ आ रहा है वैसे वैसे गाड़ियां उसमें जुड़ रही हैं। अब उनकी मांग ये है कि नीतीश राणे और गिरिजी महाराज जो भी हैं उन लोगों के ऊपर FIR हुए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये उनका आरोप है। लेकिन इन सब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनका काफिला आ रहा है उस काफिले में बड़ी संख्या में गाड़ियां शामिल हैं और इन गाड़ियों पे युवा क्या कर रहे हैं देखिए। एक तरफ वो कानून का पालन करवाने के लिए सरकार से और पुलिस विभाग से सवाल करने आ रहे हैं, तो उन्हीं के काफिले में चल रहे युवा गाड़ियों के ऊपर स्टंटबाजी कर रहे हैं, नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उनके साथ चलने वाले जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो अति उत्साह में अपनी जान धोखे में डाल रहे हैं। जिस तरीके से ये तस्वीरें आ रही हैं पूरे रास्ते पर इस धमा चौकड़ी की तस्वीरें हैं, आपने देखा होगा, आप सामान्य अगर आदमी हैं और गाड़ी पर अगर स्टंट करते देखे जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो, अन्य किसी प्रदेश में हो, आप देख रहे हैं उसमें तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है और भारी भरकम जुर्माने के साथ उसके घर पे नोटिस पहुंच जाती है जो गाड़ियों पे स्टंट करते हैं युवा। लेकिन जब रैली की बात आती है, पॉलिटिशियंस की बात आती है या किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व की बात आती है तो उसमें देखा जाता है कि एक गाड़ी पे 4 लोग, एक गाड़ी पे 3 लोग या फिर ऐसी गाड़ियों के छतों पर लोग चढ़ते हैं। अब ये इस तरीके से ये जो युवा स्टंट करते हैं उसको एक तरीके से खुली छूट दे दी जाती है क्योंकि पुलिस उनको, जो भी नेता उनके होते हैं, उनके प्रभाव में आकर कार्रवाई करने से बचते हैं। तो दूसरी तरफ युवा इसी का फायदा उठाकर इस कानून को उल्लंघन करके और अपनी जान और बाकी लोगों की भी जान जोखिम में डालते हैं। देखिए, आपका उद्देश्य पवित्र है, अच्छा है, आपकी मांग रखनी है, आप कानून का पालन करवाने के लिए आ रहे हैं, अपनी मांग रखना है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन रैली किसी की भी हो लेकिन जान जोखिम में डालकर किसी को भी इस तरीके का स्टंट करना नहीं चाहिए। खैर, फिलहाल आप एक निष्पक्ष तरीके से अगर बात करेंगे तो इसे राहगीरों के लिए भी और उनकी खुद की जान के लिए भी खतरा कहा जा सकता है। आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएगा। अब मुंबई में जो रैली आ रही है ये रैली बड़ी रैली हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए इम्तियाज जलील जो पूर्व सांसद है IMIM के, वो आ रहे हैं मुंबई और वो अब सवाल करेंगे आगे क्या कुछ होगा। उन तस्वीरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।